हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस, जीके और करंट अफेयर्स से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपी से, ग्रुप डी एसएससी, पुलिस एग्जाम और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो देखिए, एशियाई खेल 2018 में भारत ने 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक और 30 कांस्य पदक, यानी कुल 69 पदक जो है प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एशियाई खेल 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, एशियाई खेल 2018 का आयोजन ये हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग, यानी इन दो शहरों में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एशियाई खेल 2018 के पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो देखिए, एशियाई खेल 2018 के पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान ये चीन का है। ठीक है, कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो ये 132 जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो देखिए, एशियाई खेल 2022 का आयोजन ये किया जाएगा हांगझू, चीन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है करनाल, हरियाणा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो देखिए, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट जो है ये बनी है लेफ्टिनेंट शिवांगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख ये एडमिरल करमबीर सिंह जो है ये भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, सन 1504 में सिकंदर लोधी ने यमुना नदी के तट पर किस नगर की स्थापना की थी? तो देखिए, सन 1504 में सिकंदर लोधी ने यमुना नदी के तट पर ये आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है ये लगभग 27.3 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है, और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, थॉमस कप और उबेर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, थॉमस कप और उबेर कप, यानी ये दोनों कप जो हैं ये संबंधित है बैडमिंटन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा दसवां नंबर क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए, केसर मसाला बनाने के लिए ये पौधे का वर्तिकाग्र जो है उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन है, भील जनजाति सबसे अधिक है भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए, भील जनजाति सबसे अधिक है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा बारहवां नंबर क्वेश्चन है, रक्ताल्पता की स्थिति निम्नलिखित में से किसकी वजह से होती है? तो देखिए, रक्ताल्पता की स्थिति जो है ये होती है आरबीसी की कमी की वजह से। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल जो है ये आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो देखिए, आरबीसी का जीवन काल ये 120 दिनों का होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है ये संसद को प्राप्त है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 की विजेता टीम कौन बना है? तो देखिए, सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 की विजेता टीम ये ग्रेट ब्रिटेन बना है, और उप विजेता कौन बना है? तो देखिए, उप विजेता ये भारत बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 21 धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? तो ये माना गया है धारा 309 को, ठीक, धारा 309 के अनुसार जो है आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 में पद्मविभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2019 में पद्मविभूषण पुरस्कार से ये सुश्री तीजन बाई को सम्मानित किया गया है, इसके अलावा भी और भी कई लोगों को सम्मानित किया गया है। पद्मविभूषण पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो पद्मविभूषण पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी, ठीक है। और ये पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन का प्रमुख घटक है? तो देखिए, मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के सबसे पूरब में स्थित है? तो कर्क रेखा के सबसे पूरब में ये मिजोरम स्थित है, ठीक है, और सबसे पश्चिम में गुजरात स्थित है, और कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 से ये श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर ये PV सिंधु और दीपिका पादुकोण, यानी दोनों को बनाया गया है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात किस न्यायालय में वकालत कर सकते हैं? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात किसी भी न्यायालय में जो है वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का 140वां स्थान है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 से ये श्री अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये शरद अरविंद बोबड़े को नियुक्त किया गया है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश ये रंजन गोगोई थे, जिनका कार्यकाल 17 नवंबर को समाप्त हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के तहत भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो देखिए, ये कहते माउंट बैटन योजना के तहत, ठीक, माउंट बैटन योजना के तहत जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए, मास्टर कार्ड ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ये महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो है समझौता किया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 27वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की पशुधन आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए, भारत की पशुधन आबादी में ये 5.4% की वृद्धि हुई है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले विश्व के युवा बल्लेबाज कौन बने हैं?
तो देखिए वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले विश्व के युवा बल्लेबाज ये बने हैं यशस्वी जायसवाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, देखिए प्रश्न पूछा गया था बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बुलंद दरवाज़ा ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर पटियाला। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।